1976 में इसी इलाके में लगभग ऐसी ही एक समस्या आई। कांग्रेस की सरकारें थी, जाहिर सी बात है, मिश्रा कमेटी बनी। मिश्रा कमेटी की अनुशंसा थी कि कोई बड़े प्रोजेक्ट्स या बड़ा कंस्ट्रक्शन का काम यहां नहीं होना चाहिए, ये बहुत नाजुक इलाका है और अर्थक्वेक भूकंप के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये नंबर 5 में आता है, जोन जो है ये 5 है। तो इतना नाजुक, और उस वक्त की सरकारों ने ना केवल संज्ञान लिया और ब्रेकिंग न्यूज पे ध्यान नहीं दिया, मिश्रा जी जो थे, महेश मिश्रा जी संभागीय आयुक्त थे वहां के, और तब उत्तर प्रदेश का ही हिस्सा था, उत्तराखंड नहीं था। मिश्रा कमेटी की रिपोर्ट का पालन आने वाली कई सरकारों ने लगातार किया, जब भी कोई बड़ा प्रोजेक्ट इस इलाके में लाते, यहां तक कि जब जयराम रमेश जी के संज्ञान में जीडी अग्रवाल जी लाए इस मुद्दे को, वहां कंस्ट्रक्शन के मुद्दे को और पावर प्रोजेक्ट्स के मुद्दे को, जयराम रमेश जी ने भी मिश्रा कमेटी की रिपोर्ट को अपनी टेबल पर सबसे ऊपर रखा। इन सरकारों ने मिश्रा कमेटी का नाम नहीं सुना होगा, मैं आपको बता सकता हूं, कम से कम प्रधानमंत्री कार्यालय ने बिल्कुल नहीं सुना होगा। और यहां देवेंद्र यादव जी हो या सुजाता जी हो या मनीष खंडूरी जी हो या मैं हूं, हम लोग कोई ज्यादा हमारा इस दखल नहीं है निर्णय लेने में वहां, क्योंकि सरकारें हमारी नहीं है, लेकिन कम से कम इतना मालूम होना चाहिए कि उस इलाके का इतिहास क्या रहा है, विकास का इतिहास क्या रहा है, सरकारों ने कैसे रिस्पॉन्ड किया इस तरह की समस्याओं को, इस तरह की दिक्कतें जब आई तो। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।